अलीपुर मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश की संभावना जताई है। बुधवार को पश्चिम बर्धमान समेत दक्षिण बंगाल के कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को नए साल का अब तक का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया है। सोमवार को आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सोमवार की सुबह से ही इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है, हल्की हवा भी चल रही है। पिछले 24 घंटे में तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को नए साल का अब तक का सबसे ठंडा दिन माना गया है। पिछले 13 जनवरी को तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस कम है, जबकि कोलकाता में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम कार्यालय ने कहा कि अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट आ सकती है। 24 घंटे के अंदर कोलकाता समेत राज्य भर का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। जानकारी के अनुसार कोलकाता समेत पूरे राज्य में सोमवार से ही घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन दोपहर में ये साफ हो जाएगा। पूरे दिन आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अलीपुर मौसम कार्यालय के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। वायु कार्यालय के अनुसार तापमान में पारा कम रहेगा। तापमान में गिरावट के साथ साथ बारिश का भी अनुमान है। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग सहित उत्तर बंगाल के जिले सोमवार को शुष्क रहे, लेकिन मंगलवार से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों के कुछ इलाकों में मंगलवार और बुधवार को हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तर बंगाल के साथ साथ दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों में भी बारिश का अनुमान है। दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम और बांकुड़ा जिलों के कुछ इलाकों में मंगलवार को हल्की बारिश हो सकती है। अलीपुर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बुधवार को दक्षिण बंगाल के जिलों में बारिश की संभावना है। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली, पुरुलिया, झाड़ग्राम, बांकुड़ा, बीरभूम, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, मुर्शिदाबाद, नदिया और मालदा जिलों के कुछ इलाके बुधवार को हल्की बारिश से भीग सकते हैं। गुरुवार को कुछ दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों के कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। खुले एवं स्वच्छ वातावरण में घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट, वो भी रानीगंज जामुड़िया शहर के बिल्कुल निकट NH-60 से महज कुछ कदमों की दूरी पर कुनस्तोड़िया तपसी पेट्रोल पंप के निकट। गोविंदो धाम में आपको मिलेंगे उचित कीमत और आसान किश्तों पर प्लॉट्स और डुप्लेक्स। गोविंदो धाम प्लॉट में 24 फीट रोड के साथ टेंपल पार्क, किड्स प्लेइंग एरिया और भी बहुत कुछ उपलब्ध होगा। गोविंदो धाम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से महज 4 किलोमीटर के दायरे में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल की सुविधा होगी उपलब्ध। गोविंदो धाम में प्लॉट्स और डुप्लेक्स बुक करने वालों को मिलेंगे अट्रैक्टिव गिफ्ट्स, तो फिर देर किस बात की। आपके सपनों को पूरा करने गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट। संपर्क करें 9332202961, 7001804855।